इस व्लॉग में मैं आपको साथ साथ नरेट करता जाऊंगा कि हुआ क्या था, क्योंकि उसकी वजह ये यार मेरे पास ड्रोन शोन नहीं था, तो वरना बड़े स्टेडियम जो है उसकी कवरेज करता मैं। यूं जो है बैट्समैन के नीचे चड्डों से अपना ड्रोन लेके जाता, यूं ऊपर से जाता, ये जी बॉल के साथ ड्रोन जा रहा है, ये जी ड्रोन ड्रोन, वो सीन था नहीं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें मिस हो गई हैं वो मैं आपको बोल के समझा दूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं इस ब्लॉग की तरफ। हेलो फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। मैं बड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ आज, क्योंकि मैंने बाल भी कटाया, मैं चिकना लग रहा हूँ मेरी माँ के हिसाब से। बाय द वे, मैं टिकटॉक पे आ गया हूँ, सारे अपने सॉन्ग्स और ये म्यूज़िक वीडियोस और थोड़ी सी यकियाँ इस तरह डाल रहा हूँ, वो मैं नहीं कर रहा है सर, वो बाप आया तेरा तेरा बाप आया, ये भी नहीं कर रहा। दीवानों सा हाल हुआ, हमको उनसे प्यार हुआ। तो भाई लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कराची में हो रहा है यूट्यूबर्स कप, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, सही हसीब को पकड़ूंगा, वहाँ के लिए मैं निकलूँगा। यूट्यूबर्स ये क्रिकेट कप का जो सीन है वो इस तरह है कि सारे यूट्यूबर्स जो है ना उनकी टीम बनी हुई है और वो आपस में मैचेस होंगे, टूर्नामेंट होगा, जो जीत जाएगा वो भाई वाह 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 वाह, उसके लिए तालियां बजेंगी। ठीक है, तो ये सीन है। अब मुझे तो क्रिकेट खेलना आता नहीं, तो मैंने खुद पार्टिसिपेट किया नहीं, तो मैं वहाँ पर वो चीयर गर्ल्स का रोल अदा करूँगा। मेरी टीम जब छक्का मारेगी तो मैं फुफंद ने हाथों में लेके ऐसे सीप साहब को नज़ला हुआ है। क्या हुआ है यार, पता नहीं, लाहौर में हवा इतनी गंदी हो गई, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा, गला पूरा बंद है, पता नहीं क्या क्या कुछ, मुझे नहीं समझ आ रही कल क्रिकेट में कैसे खेलूँगा। तुम खेलोगे क्या? इरादा तो मेरा पूरा है, अगर वहाँ पे हिम्मत हुई तो ज़रूर खेलूँगा। तुम छक्के मार रहा? छक्के नहीं, तुम बॉलिंग देखना, मैं असल में बॉलर हूँ। बड़े मज़े की बात है, कल मैं सारों को देख रहा था, कराची वाले हमें तो शॉपर समझ रहे हैं यार, कुछ कोई भाव ही नहीं दे रहा हमें। बेटा दिखाते हैं कि कैसे जो है ना, कैसे खेलते हैं। हाँ जी, दिखाते हैं बेटा बेटा। बात सुन आजा सिकंद सलम की गेम लगाते हैं, फिर चलते हैं। मैं तो भाई लूंगा पॉल। जहाज में मैं जब भी सफर करता हूँ, और अगर मुझे विंडो सीट मिल गई, विंडो सीट से जब मैं नीचे देखता हूँ लोगों को, घरों को, पूरी दुनिया को, तो मुझे हमेशा एक बात याद आती है जो डेड पोएट सोसाइटी में रॉबिन विलियम्स ने कही थी। आई क्लाइम्ड ऑन द डेस्क टू रिमाइंड मायसेल्फ दैट वी मस्ट ऑलवेज लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड द वर्ल्ड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अप हियर। यानी कभी कभी आम जिंदगी की आम चीज़ों को सिर्फ देखने का नज़रिया आप बदल के देखो तो चीज़ों की मैंने बदल जाती है, वो चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। आपको पता है एंटमैन मूवी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि उसमें हम वो चूंटी के एंगल से दुनिया को देख रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। यही तो करता है ड्रोन शोन भी, यही करता है कि आपको जैसे कि आप देख रहे हो हाई लेवल पर हर चीज़ें, मतलब आम जिंदगी में, तो वो आपको ऊपर से दिखाते हैं, देखो यहाँ से कैसा लग रहा है। ये चीज़ हमें फैसिनेटिंग लगती है। तो अक्सर हम अपने ज़िंदगी के मसलों को भी अगर डिफरेंट एंगल से देखें, ऊपर से शायद देखें, तो हमें छोटे से लगेंगे, है कि नहीं? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन वाली ये, तो देखो हम तो भाई यहाँ खड़े लेकिन इनके लिए तो हम मूव कर रहे हैं। इंतज़ार था कि हमें कोई पिक करने आए और इन्होंने सीधा गेम ऑफ थ्रोन से खाल द्रोगो भेज दिए। सारी गंदी फिल्में आपकी देखी हैं। मैं इधर कराची में रहता हूँ ना। अरे ये हैं फायद भाई, फायद भाई हैं, हमें पिक करने आए हैं, और आज फायद भाई का हैप्पी बर्थडे, तो असीब हैप्पी बर्थडे गाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं भाई, ये ऑरेंज ऑरेंज किस्म के प्ले बॉयज, ये हमारे प्लेयर्स हैं, खुजली टाइगर्स हैं, और इन खुजली टाइगर्स में एक हमारा हसीब इस्मत भी है। अच्छा जी, मैं भी इस टाइम जो है ना खेलने की तैयारी में हूँ, फुल टाइम मैंने किट शिट कर ली हुई है, और बॉलिंग मेरी अच्छी है और बैटिंग भी मेरी अच्छी है, तो ये मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, और जो कि हम साथ खेलेंगे, बैटिंग भी, बॉलर भी, सब हैं। और हमारा पहला मैच है जो द ग्रेट मोहम्मद अली के साथ, जिसने सिर्फ बाहर खड़े होकर कोचिंग करनी और कुछ नहीं करना, सिर्फ बातें कर सकता है, लेकिन हम बताएंगे ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटीज़ हैं और बाहर की क्या रियलिटीज़ है, तो हम चुपके रखेंगे। सर सारे मोटिवेटेड हैं। Yes, अभी टॉस जीता है बंदे ने, कॉन्फिडेंस चेक करो कि भाई ये जो मैच जीत लेंगे। यार तू इसमें कोई दो राय नहीं है ना, आई मीन यू नो टीम देखें, आप टीम का मुआवजा करें। इसमें दो राय नहीं है, इसमें एक ही राय है कि आप हार जाएंगे। हमारी आगे बैटिंग पहली, ठीक है, और हमने तो के तुम्हें मारना है। ड्रीम करना हर इंसान का हक है,
उसको ड्रीम करना चाहिए बट रियलिटी से क्लोज रहना चाहिए कि टीम ग्रेट वो अच्छा जी हम लोग पहला मैच हार गए हैं द ग्रेट मोहम्मद अली की टीम से और असल में ये लड़का जो है ना वो सारे बड़े बड़े लड़के ले आया था खेलने के लिए और ये हमारे साथ आ गए ओवरऑल मैच काफी अच्छा रहा तो लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद हम लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे अगला मैच हमारा गंजी सोएक के साथ है तो गंजी साहब जरा तैयार रहिए ये मैंने कबीर सिंह वाले ग्लासेस लगाए हैं वाऊ वाऊ हो जाऊंगा मैं वाऊ 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 वाड़ा वाऊ वाऊ फिर नेक्स्ट टीम जो भी आएगी उसकी फिर मट्टी पलीत है भाई हमारे साथ मोरू भाई भी हैं साथ साथ मैच हम हार गए यार लेकिन कोई बात नहीं नेक्स्ट वाली जीत जाएंगे यार हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं व्हेन शी किसेस यू ऑन योर नेक दूसरे मैच के लिए जो है ना मैंने तैयारी कर ली है मैंने नए लड़के जो है ना वो बुलाए हैं क्योंकि पहली टीम के जो लड़के थे उन्होंने बहुत ही गंदा खेला यार चैट पता ही नहीं था जब टीम आई है तो क्या होना है क्या नहीं होना लेकिन अब जो है वो प्रोफेशनल लड़के बुलाने के लिए मैंने उन्हें कहा जी हमें कोई अच्छे लड़के दें तो हम तब खेलेंगे नहीं तो मैं रो के चले जाऊंगा लाहौर वापस भाई बेकार ने कराची को टारगेट दिया है 29 मतलब मेरी जीत इसी में है मैंने टारगेट दिया था 30 अच्छा जी टोटल जो है वो 5-5 ओवरों का मैच है और 5 ओवरों के अंदर आप अगर 60-70 स्कोर करें तो बहुत अच्छा स्कोर कंसीडर किया जाता है लेकिन मोरू भाई पता नहीं कहाँ से लड़के उठा के लेके आए मैं अकेले एक लड़के ने 50 तो मार लिया मेरा अकेले 70-80 तो वो कर लेगा अकेला क्या ख्याल है समझ हाँ भाई ये ओवरऑल स्कोर 100 से ऊपर ही है 5 ओवरों में यार क्या नेट हुए वैसे छक्के और कुछ भी नहीं यार हमारा बेचारा हसीब वो हारते हुए आ रहे हैं खैर कोई बात नहीं अभी भी हम कर सकते हैं भाई कितना टारगेट दिया था 61 बड़ी मेहनत की मैंने बॉलिंग कराई बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई ऐसी बात भी नहीं है लेकिन मेरी टीम मेरा साथ बिल्कुल नहीं दे पाई और मेरी बैटिंग भी नहीं चली पहली बॉल पे दोनों दफ़ा मैंने कैच दिए और आउट हुआ मैं सीन ये हुआ कि पहला मैच तो हम जलील होकर हार गए ठीक है अब मेरा तो यह था कि भाई किसी से हारूँ ना हारूँ द ग्रेट अली को ज़रूर हराऊँ क्योंकि मैं पूरा टाइम उसी के साथ था और हमारी यारी बन गई थी और टसल बन गई कि बट्टा तू नहीं कहीं जाता तो वो तो मैं हार गया हसीब को आइडिया हुआ कि भाई सीन ये है कि हमारे लौंडे जो है ना तगड़े नहीं है मज़ा नहीं है इनमें तो हमने क्या किया 2-3 नए लौंडे मुस्टंडे सही मुस्टंडे वो हमने कराए इम्पोर्ट वो फिर जो 3 नए लड़के आए फिर जो गेम भाई बनी है दूसरा मैच जब हुआ है ना फिर पता चला है कि भाई हम वो भी हार गए तो 2 मैच हम लगातार हार गए इस टाइम हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर कि मैं क्या बोलूं दूसरा मैच भी लगातार हम हार चुके हैं और टूर्नामेंट से हम बाहर हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमारे पास तीसरा मैच है जो हम जीत सकते हैं नहीं जीत जो नहीं जीतना वो जान के हारना लेकिन अगर हम तीसरा भी जीत गए तो फायदा नहीं है ना वो फायदा नहीं लेकिन फिर भी खेलेंगे रजा को भी खिलाएंगे सॉरी आई वाज टॉकिंग टू द चेयर सॉरी आप यहाँ पे हाँ मैं यहाँ पे यार क्या वो आपकी टीम क्या जीत रही हार रही क्या यार हार भी रही है जीत भी रही है अब वो थोड़ा ये हो रहा है ये आप समझ नहीं आ रहा बच मैंने बस वो पंचलाइन कहनी थी लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि हमारा तीसरा मैच अभी भी पड़ा हुआ था उन सारे बॉयज को दोबारा से मिला के असीब ने मुझे कहा कि भाई तू भी आ जा इनको मोटिवेट कर मैंने उनको शाहरुख खान वाली चक दे इंडिया वाली जो स्पीच की है ना उसके बाद भाई जी जो छक्के हमें पड़े हैं और हम तीसरा मैच भी हार गए एक चीज़ तो है भाई जैसी भी परफॉर्मेंस की हो लेकिन हसीब ने बॉलिंग अच्छी की है तो रजिस्टर्ड बात थी भाई क्योंकि टूर्नामेंट का पहला जो बोल्ड था वो भी हसीब ने किया था पहली बोल्ड से विकेट हसीब की थी तो चलो ये हमारी अचीवमेंट अनलॉक तो हुई एटलीस्ट यूट्यूबर कप इस टाइम कराची वाइंस जीत चुकी है और बहुत बड़े मार्जिन से जीती है 136 5 ओवरों के अंदर बहुत ज़्यादा तो कंग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ कराची वाइंस क्योंकि बहुत अच्छा बाऊ रामी राजा जी बेस्ट बाऊ रामी खेले हो तुम लोग एनीवेज नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छा खेलेंगे और इस सब में हमारी जो एसोसिएशन जिनके साथ हमारी थी द स्पॉन्सर्स जो थे हमारे वो थे दी बिग बैंग नाउ द बिग बैंग इज़ एन एप्लीकेशन इट्स अ डिस्काउंट एप्लीकेशन जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं और 10,000 से ज़्यादा बाय वन गेट वन फ्री डील्स हैं तो ऊपर से है भी ये फ्री तो जाके डाउनलोड करो और इन्जॉय करो डिस्काउंट्स शॉपिंग पे फूड पे स्पा पे और बहुत कुछ है
इसको ज़रा ट्राई करो और मज़े लो इसके। पीसा के लिए वोट करना मत भूलना प्लीज़ यार, वो जीतना ज़रूरी है। इधर नहीं जीत पाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन पीसा में अवार्ड आपके भाई के हाथों में होना चाहिए। वोटिंग के लिए जाओ नीचे, वोट कर लेना। एंड थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू बोथ ऑफ द चैनल्स। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।